फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मनीष शर्मा का एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड फिल्मी कैरियर एनालाइज करेंगे। मनीष शर्मा ने एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 2006 में मूवी जवानी दीवानी से की। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, सेलिना जेटली, ऋषिता भट्ट, महेश मांजरेकर और टीकू तलसानिया शामिल थे। ये एक एडल्ट कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 4,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,72,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 6,75,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2010 में इनके डायरेक्शन में बनी दूसरी मूवी आई बैंड बाजा बारात। ये यशराज प्रोडक्शन हाउस की मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, मनु ऋषि चड्ढा और मनीष चौधरी शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 15,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 17,08,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 25,57,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2011 में इनके डायरेक्शन में बनी तीसरी मूवी आई लेडीज वर्सेस रिकी महल। ये भी यशराज प्रोडक्शन हाउस की मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, दीपानीता शर्मा और सोनिका चोपड़ा शामिल थे। ये कॉमेडी क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 20,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 32,97,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 49,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2013 में इनके डायरेक्शन में बनी चौथी मूवी आई शुद्ध देसी रोमांस। ये भी यशराज प्रोडक्शन हाउस की मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुशांत सिंह राजपूत, परिणीति चोपड़ा, वाणी कपूर, ऋषि कपूर और रमाकांत दायमा शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 46,60,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 75,11,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2016 में इनके डायरेक्शन में बनी पांचवी मूवी आई फैन। ये भी यशराज प्रोडक्शन हाउस की मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, सयानी गुप्ता, दीपिका अमीन, वलूचा डिसूजा और श्रिया पिलगांवकर शामिल थे। इस मूवी में शाहरुख खान ने डबल रोल निभाया था। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 120,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 84,10,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 182,33,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। और ये ही एज ए डायरेक्टर अब तक की मनीष शर्मा की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी है। फ्रेंड्स, मनीष शर्मा की एज ए डायरेक्टर बड़ी अपकमिंग मूवी का नाम है टाइगर 3 और ये भी यशराज प्रोडक्शन हाउस की मूवी है। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी शामिल हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी है। इस मूवी में इमरान हाशमी ने विलन का रोल निभाया है। ये मूवी नवंबर 2023 में थिएटर में देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको मनीष शर्मा की एज ए डायरेक्टर सभी मूवीज के बारे में बता दिया। मनीष शर्मा की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।